तो मैं फिर से मोनेटाइज अप्लाई करने के लिए मेरा सारे वीडियोस को डिलीट करना पड़ेगा, जो जो मैंने ब्लैक स्क्रीन वीडियो यूज़ किया था, तो वो सारे वीडियोस को डिलीट करना पड़ेगा। मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो भी डिलीट कर दिया मैंने, 2.6 लाख जिसमें व्यू था। उसके बाद सेकंड वीडियो भी डिलीट करना पड़ा, हैप्पी न्यू ईयर का, जिसमें 1.1 लाख व्यू था, उसको भी डिलीट करना पड़ा। सारे वीडियोस को डिलीट करना पड़ा जितने भी मैंने ब्लैक स्क्रीन यूज़ किए थे। तो स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने कितने सारा वीडियोस डिलीट किया। तो आप लोग भी किसी दूसरे का वीडियो अपने चैनल पर मत डालना, नहीं तो मोनेटाइज पर प्रॉब्लम होगा। तो देख सकते हो कितने कितने व्यू थे मेरे वीडियोस पर, 50,000 व्यू था इसमें। ये भी हैप्पी न्यू ईयर वाला था, बट मैंने बैक में वो जो 2022 का ब्लैक स्क्रीन था वो यूज़ किया था। तो उन सारे वीडियोस को अब मुझे डिलीट करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं और एक बार मोनेटाइज के लिए अप्लाई करूँगा। मैंने 2 दिन लाइव स्ट्रीम भी किया, इसलिए कि शायद मेरा वॉइस होगा तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ये रिपब्लिक डे वाला भी डिलीट करना पड़ेगा, इसमें 3.3 के व्यू से देख ही सकते हो, 30,000 से ऊपर व्यू था इसमें, तो इसको भी डिलीट करना पड़ेगा मुझे। तो जो जो वीडियो पे मैंने ब्लैक स्क्रीन यूज़ किया सारे को मैं ढूंढ ढूंढ के देख रहे हो डिलीट कर रहा हूँ, तो डिलीट कर देना सब। छब्बीस जनवरी पब्लिक डे ये गया, इसको डिलीट करने के बाद और भी बहुत सारे हैं। ये है जय हिंद, ये भी हैप्पी रिपब्लिक डे वाला मैंने ब्लैक यूज़ किया था, और जो बैक में देख सकते हो जय हिंद लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको भी डिलीट करना पड़ेगा यार। तो बहुत बुरा लग रहा था यार, मेरा कितना मतलब मोस्ट पॉपुलर, उसको भी डिलीट करना पड़ा यार, क्या करें, तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो इस बार देखते क्या होता है, चैनल मोनेटाइज होता है या नहीं। तो चलो और ढूंढते, बहुत सारे ब्लैक स्क्रीन मेरे वीडियो से, वही मेरे मतलब कि अच्छा खासा व्यू था उसमें, देखता हूँ। चलो और भी बहुत सारे है, वेट करो। मेरा मोनेटाइज कैंसिल हो गया था यार, जब मेरा 10K हुआ था तभी अप्लाई किया था, मैंने वीडियो भी बनाया था तो मैंने उसमें भी बताया था, फिर अभी अप्लाई करने वाला हूँ, इसीलिए सारे वीडियोस को डिलीट करना पड़ेगा। तो मेरे चैनल पर जाके देख लेना यार, मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो अब नहीं रहा मेरे चैनल पर, जिसमें 2.6 लाख व्यू था उसमें, वो भी डिलीट करना पड़ा यार। तो अभी ढूंढते हैं, रखो 14 फरवरी ब्लैक डे, ये भी डिलीट करना पड़ेगा इसमें मैंने, तो इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। ये जो वैलेंटाइन डे वाला था उसको भी डिलीट करना पड़ा मुझे, और भी बहुत सारे है, रुको। ये और एक है अभी 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे जो वीडियो बना था, इस पर 12,000 व्यू था यार, इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। उसके नीचे वाला भी 13,000, उसको भी डिलीट करना पड़ेगा। तो एक के बाद एक को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस है तो डिलीट करना पड़ेगा, फिर मैं अप्लाई करूँगा मोनेटाइज के लिए। तो देखते हैं इस बार क्या होता है, और ट्यूटोरियल आएगा 20K पर, तो ट्यूटोरियल जल्दी से मतलब कि 20K जल्दी से कंप्लीट कर दो, उसके बाद ट्यूटोरियल आ जाएगा, फुल ट्यूटोरियल, ठीक है ना, एडिटिंग फुल ट्यूटोरियल, न्यू XML ग्लो इफेक्ट सब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से 20K कंप्लीट करवा दो, बन जाएगा। ये 14 फरवरी वैलेंटाइन डे ये भी था, बट देखते क्या होता है। मैं तो मैंने स्मोकी से हेल्प मांगा तो उसने ही बोला कि ये करो, तो शायद हो जाएगा, देखते क्या होता है। मैंने तो वॉइस ओवर भी कर दिया यार, अगर अभी नहीं हुआ तो क्या करे, बोलो तुम लोग ही बताओ यार, कोई अगर हेल्प कर सकता है तो हेल्प करो यार। 1.5 साल हो गया यार यूट्यूब पे मैं ये कर रहा हूँ, बट चैनल अगर मोनेटाइज नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा, बोलो। तो उसके बाद देखते हैं और क्या है। ये भी हैप्पी न्यू ईयर जो हैप्पी रिपब्लिक डे, ये भी ब्लैक स्क्रीन है यूज़ है, ये ट्यूटोरियल भी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा देखते हैं। उसमें नहीं है तो ये डिलीट करना पड़ेगा हैप्पी न्यू ईयर पर, वो जो ब्लैक देख रहा है ना बैक पे हैप्पी न्यू ईयर, तो मैंने हैप्पी न्यू ईयर पर यार क्या ही बोलूँ, मेरा 2022 में ना मतलब क्या ही बोलूँ,
ट्रेंडिंग पे चला गया था एकदम टॉप पर यार। उसके बाद ये सब वेट लेट करना पड़ेगा मुझे दूसरे का, है ना, इसीलिए ये भी डिलीट करना पड़ेगा। कम से कम मैंने मोनेटाइज अप्लाई जब किया था पहले भी, तो पहले भी मैंने कम से कम मैंने डिलीट किया था डेढ़ से 200 वीडियोस मतलब डिलीट किया था यार। आप लोग जाके मेरे चैनल पर देख लेना यार, मोस्ट पॉपुलर वीडियो नहीं रहा यार, मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है यार, मतलब क्या बोलूँ यार। बट अगर चैनल ही मोनेटाइज नहीं हुआ तो इतना करके क्या फ़ायदा यार, कुछ फ़ायदा तो नहीं होने वाला ना इसलिए। उसके बाद मुझे एक और ट्यूटोरियल भी डिलीट करना पड़ा यार, वैलेंटाइन डे वाला ट्यूटोरियल को भी। तो मैं आज ही मोनेटाइज के लिए फिर से अप्लाई कर दूंगा, तो रिजल्ट क्या आता है 20K पर ट्यूटोरियल पर बताऊंगा। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दूँ ताकि मुझे थोड़ा हेल्प मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।